नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जैसे कि 17 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो हम कैसे अपने रुके हुए पितरों को विदाई दें, कैसे उनको हम आगे जाने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों बहुत लोगों ने अपने जीवन में बहुत भारी गलतियाँ कर रखी हैं जब बात करते हैं मरे हुए परिजनों की। मेरी इतने लोगों से कंसल्टेशन पे बात होती है, हज़ारों लोगों से होती है, और ऐसे ऐसे लोगों की गलतियाँ जो है देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है ऐसी गलतियाँ आपने भी कर रखी हों, तो आज मैं वो गलतियाँ बताऊँगा जो बहुत लोगों ने कर रखी हैं, तो उनको आप अमेंड कर लीजिए श्राद्धों में। और आपको श्राद्धों में अपने मरे हुए परिजनों की डेथ डेट पता है या नहीं पता है, मैं नहीं जानता। पता है तो उनकी डेथ डेट वाले दिन वो कार्य करना होगा, नहीं पता तो आप जो लास्ट श्राद्ध होगा जब सर्व पितर अमावस्या होती है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो और श्राद्धों से पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहली बात हम गलतियों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत भयंकर कर रखी हैं, और ये गलतियां करने से आपका घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, और बहुत लोग उनका बर्बाद हो चुका है। बहुत एक अजीब बात आपको बताऊंगा कि एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने अपने घर में मरे हुए परिजन की राख रखी हुई थी। उन्होंने वो राख गंगा जी में भाई नहीं, मतलब जो अस्थियाँ थी फूल चुगने की रस्म के बाद सब रखी हुई थी, और सालों साल से रखी हुई थी, और वो भाई नहीं। और आई डोंट नो वो टीवी से फिल्म से इंस्पायर्ड थे कि मटके में राख रख के अपने संदूकची में रख लो उठा के, और उसको मन आया देख लिया, या उनके खुद के मन में ऐसी आशा हुई। तो वो एक बहुत गलत बात है, ऐसा करने से आप उस आत्मा को फंसा रहे हो ज़बरदस्ती उस स्थान पे, आप उसकी मुक्ति में रोड़ा पैदा कर रहे हो, उसके अगले जन्म में रोड़ा पैदा कर रहे हो। आप उसको हर तरीके से बाकी जो भूत प्रेत होते हैं उनसे अटैक करवा रहे हो, क्योंकि जहाँ राख होगी वहाँ वो होगा, और उसको आकर्षित देख, उसको वहाँ देख, सारे जितने भी स्पिरिट्स हैं उसी राख में अपना स्थान पाने की कोशिश करेंगी, ज़बरदस्ती आपका पितर बनने की कोशिश करेंगी। और लिटरली उनका घर बर्बाद था, उन्होंने राख सालों साल से रखी हुई, और मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा आपने गंगा जी में भाग के विसर्जित क्यों नहीं की? मैंने कहा गंगा जी नहीं थी तो कोई भी आप समुंदर या नदी आप देख लेते, वहाँ पे भा देते, क्योंकि उसका डीकम्पोज होना, उसका नेचर में मिल जाना ज़रूरी है। बात खाली गंगा जी में भाने की नहीं है, क्योंकि जो पंच तत्वों का हमारा शरीर होता है इसमें पृथ्वी तत्व और जो जल तत्व है वो वहाँ पे चला जाना चाहिए। जो एशेज होती हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इसमें जो वायु तत्व होता है और जो गैसेस वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं जब बॉडी जलती है, तो पृथ्वी तत्व रह जाता है और जल तत्व रह जाता है, और आपका ये कह लीजिए जो आकाश तत्व है और वायु तत्व है वो जनरली आत्मा का शरीर होता है, अग्नि तत्व है उसके अंदर की वो शक्ति होती है। तो पर ये डिस्पोज ऑफ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम श्रद्धा उनके प्रति रखते हैं, प्यार रखते हैं, हम उसे कूड़े में नहीं डाल सकते, हम उसे नदी में डालेंगे ताकि वो ईश्वर की तरफ, हम ये संकेत देते हैं कि जो आपने शरीर प्रोवाइड किया हमने वापस आपकी प्रकृति को वापस कर दिया है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत मतलब उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक कर रखी थी, और 10-15 साल हो गए थे, बर्बाद थे वो लिटरली। तो मैंने उनको ये उपाय बताया था, ये पिछले साल की बात है, मैं उन्होंने बताया था कि श्राद्ध के वक्त में आप जो उनकी डेथ की तिथि आती है उस दिन आप वो राख आप दे आओ, जाके विसर्जित कर आओ गंगा जी में, वहाँ नहीं कर सकते तो किसी भी ऐसी नदी में स्थान में कर आओ जहाँ आपको ठीक लगे। और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में ये असमंजस से बना, मतलब उनका था, बड़ी मुश्किल से मनाई हुई, मतलब फैमिली मेम्बर्स को राज़ी किया, मतलब उनका माइंड इतना ब्लॉक हो चुका था कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और रेगुलरली वो परिजन उन्हें दिखाई देता था तड़पता हुआ परेशान। तो फिर मैंने वो कहा कि आपको अगर निजात पानी तो ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करना तो मेरे पास आप कॉल मत करना। जब क्योंकि वो रेगुलरली कंसल्टेशन बुक करते थे, बात करते थे, उपाय लेते थे, पर ये एक चीज़ नहीं मान रहे थे कि नहीं ये तो हम रखेंगे। और मैंने कहा फिर आप आगे आज के बाद बात नहीं करोगे। फिर मजबूरी में उन्होंने वो राख जो है वो बहाई गंगा जी में जाके, एंड उसके बाद उनकी समझ लो 100% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। उसके बाद दान कराए, जो उनके परिजन थे उनके निमित्त धुनी कराई, एंड वो दिखना बंद हो गए। जो घर में उनके कलेश रहता था वो
कम हो गया, बीमारी ठीक होने लगी, कर्जा था वो दूर होने लगा, प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होने लगे, मतलब लिटरली सब कुछ वापस बेटर होता चला गया। और वो आज भी बात करते हैं, आज ही बल्कि उनकी कंसल्टेशन थी, तो मुझे ये चीज़ जो हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा आपने वो बात इतनी, मतलब वो समझ लो 25-30-40 कंसल्टेशन कर चुके थे, उसमें भी वो मान के राजी नहीं हो रहे थे राख डिस्पोज ऑफ करने की बात, और उनके फादर की थी, और मैंने कहा अगर आपने नहीं करी तो फिर आप यहाँ कंसल्टेशन बुक मत करना। तो जब वो, और आज वो उसी बात को कह रहे थे कि हमने काश इतनी सारी कंसल्टेशन में आपने हर बारी कहा हमने नहीं माना, काश हमने मान लिया होता तो बहुत पहले हम ठीक हो गए होते। खैर जब आप मान लिया, जब आपने कहा कि मैं आगे बात नहीं करूँगा, तो हमने वो करा और ठीक हो गया सब कुछ। तो जो है मतलब अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो उन्होंने कॉल किया था ये जानने के लिए कि स्पेशली कुछ करना है उनके फादर के लिए या नहीं। हालांकि उनके फादर अब बिल्कुल उन्हें नहीं दिखते, और एक साल से ऊपर हो गया वो नहीं दिखते, और वो तब इतने दिखते थे रोते हुए परेशान के पूछे, मतलब वो इसी वजह से रो रहे थे क्योंकि राख रखी हुई थी। अगर आपने थोड़ा सा भी राख का हिस्सा अपने घर में रखा हुआ है तो ये गलत है, ये आपके पितर को कभी भी आगे नहीं जाने देगा, कभी भी शांति नहीं देगा। तो ये गलती है जो सुधार लीजिए। जो अब पितरों का पक्ष शुरू होने वाला है श्राद्ध 17 तारीख से, तो पता कर लीजिए कौन सी उनकी डेथ डेट आती है, अदरवाइज 2 अक्टूबर को लास्ट होंगी सर्वपितर अमावस्या वाले दिन, आप उनकी राख जो है किसी भी गंगा जी में चले जाइए, वहाँ पे बहा जाइए, या कोई भी साफ नदी आप देख लीजिए, वहाँ पे आप विसर्जित कर आइए, आप समझ लीजिए आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी एक गलती जो लोग करते हैं, वो पितरों के वस्त्र संभाल के रखते हैं। अगर खासकर किसी की डेथ ट्रेजिक हुई है, बीमारी से हुई है, गंदी बीमारी से हुई है, ट्रॉमेटाइज्ड होके हुई है, मर्डर से हुई है, रेप से हुई है, या कोई ये कह लीजिए अननेचुरल कैलमिटी से हुई है, छत से गिर के हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, रोड एक्सीडेंट में हुई है, या कोई हादसे से हुई है, मतलब कोई भी ट्रेजिक डेथ है, जो अच्छी डेथ नहीं कहते जिनको, तो उसमें स्पिरिट का परेशान रहना, दुखी रहना तय है ना, 100% क्या 1000%, वो स्पिरिट तड़पेगी ही तड़पेगी। तो ऐसे में उनके वस्त्र सामान घर में ना रखें, और किसी भी अन्य मेंबर को उसे यूज़ ना करने दें। तो यहाँ 2 गलतियाँ लोगों कर रहे थे, बहुत लोगों ने की है। पहले बात, उनके वस्त्र घर में रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, दूसरा उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं, स्पिरिट अपना अटैचमेंट नहीं भूल पाती, और जो इंसान यूज़ करता है उस पर भी नेगेटिव असर आता है, क्योंकि ऐसी ट्रॉमेटाइज्ड डेथ के बाद जो स्पिरिट होती हैं वो अक्सर नेगेटिव स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ जाती हैं, परेशान होती हैं, अब वो अपनी बिलोंगिंग्स के साथ अटैचमेंट क्रिएट करती हैं, और जो कोई उसे यूज़ करेगा घर का उस पर भी वही टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं। एक हमारे क्लाइंट थे जिनकी सिस्टर ने सुसाइड किया था, एंड दूसरी सिस्टर ने वही कपड़े यूज़ करने शुरू कर दिए थे, एंड उसके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो गई थी, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुकी थी, हालांकि बची हुई थी, और उसको ये था कि पता नहीं मुझे क्यों मन करता है, एंड उनको हमने शरादों में उसकी डेथ डेट पे उसकी सिस्टर की सारे उसके कपड़े, मेकअप का सामान, जूते चप्पल सब डोनेट कराए थे, और उसके शांति के लिए धुनी कराई, उस लड़की के उतारे करवाए, तब जाके वो दिखनी बंद हुई, और जो सुसाइड की भावना पैदा होती थी मन में वो ख़त्म हुई, और अब उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि उसे सुसाइड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी वस्त्र, कोई भी सामान उनका यूज़ ना करें, उसको धुनी का धुआं दिखाएं, हमारे सुपर प्लैटिनम वाली धुनी अपने पास रखें, उसको जलाएं, और एक एक कपड़े को धुआं दिखा के साइड में रखते जाएं, धुएं पे के आगे कपड़ा लगा लगा के साइड रखते जाएं। ओम भूर्भुवः उस टाइम आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र, या कि ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जो भी परिजन है उसको शांति मिले। गायत्री मंत्र बोलेंगे ज़्यादा बेटर है। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वशक्तिर्भूरिर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि तेन प्रचोदयात्। और दिखा दिखा के एक बॉक्स में रखते जाएं, वो बॉक्स आप डोनेट कर दें किसी भी स्लम एरिया पे, एंड ये आप कभी भी कर सकते हैं, श्राद्धों से पहले भी कर सकते हैं, श्राद्धों में भी कर सकते हैं। तो जब एक बारी धुनी का धुआं दिखा देंगे तो वो बाहर आप उसको दे सकते हैं, कोई उसमें फिर इशू नहीं है, वो किसी में भी चिपट नहीं पाएगी। अब आप कहोगे कि फिर घर के क्यों नहीं यूज़ कर सकते, घर के लोगों से अटैचमेंट स्पिरिट्स का बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर मजबूरी में वो उनको भी माध्यम बना लेती हैं अपनी बात कहने के लिए, या अपने ही लाइफ को दोबारा जीने के लिए, क्योंकि और कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा तो यही सही।
तो ये बहुत ज़रूरी है उस अटैचमेंट को ब्रेक करना, ताकि स्पिरिट आगे बढ़ सके, आगे जा सके और आगे की अपनी जर्नी में पैरानॉर्मल वर्ल्ड में बढ़ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा कोई भी स्पिरिट स्टक रहेगी ना कहीं पर भी, वो परेशानी करेगी करेगी। चाहे आपका रिश्ता कितना ही गहरा था, कितना ही मजबूत था, कितना ही प्यार से भरा हुआ था, स्टिल मरने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, अच्छी अच्छी स्पिरिट्स बुरी बन जाती हैं। तो अभी आप सोच भी नहीं सकते कितनी विचित्र है दुनिया। इसलिए कभी भी ये जोखिम ना उठाएं। प्यार जिसके साथ था वो चला गया, वो उसका शरीर नहीं है, आप मन में याद कीजिए, पर कभी भी उस अटैचमेंट को फिजिकली क्रिएट करने का प्रयास मत कीजिए। तो वो हम डोनेट कर दीजिए, जो भी कपड़े लत्ते सामान हैं, उससे बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी लाइफ में रिलीफ आएगा और लाइफ से बहुत सी इश्यूज ठीक हो जाएंगे और जो स्पिरिट है उसको भी आगे जाने का मौका मिलेगा। तो ये गलती भी ना करें। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि फ़ोटो से बातें करते हैं, और ख़ासकर जब स्पिरिट के साथ, उस मरे परिजन के साथ संबंध खराब रहे हों, और तब अगर आप ऐसा करेंगे, फ़ोटो से बात आप रेगुलर कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि कम्युनिकेशन सामने से उसी मरे हुए परिजन का हो रहा है, हो सकता है कोई अन्य स्पिरिट आपके स्पेस में हो, आपके घर में हो, और वो उस फ़ोटो के माध्यम से कम्युनिकेट कर रही हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब आप रेगुलरली फ़ोटो से बात करते हो ना, धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में फ़ोटो से आपको जवाब मिल रहे हैं, आपको बात कर रहा है सामने जो आपका परिजन, और आपको माइंड में आंसर्स मिल रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम बहुत केसेस में आपके परिजन की जगह कोई और ही होता है जो बात कर रहा होता है। तो इसलिए ये गलती ना करें। ये भी एक हमारे क्लाइंट थे जो ऐसा करते थे, और वो गलती से गलत स्पिरिट से बात कर रहे थे, जो उनको फिज़िकली अफेक्ट कर रही थी, नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी, बीमार कर रही थी। तो हमने श्राद्धों में वो फ़ोटो फिर जो है दान करवाई, गंगा जी में विसर्जित करवाई, और उन्हें कहा कि अब आप कोई फ़ोटो नहीं लगाओगे घर में, अगर आपको उनकी याद आती है फ़ोन में फ़ोटो रखो, वो देख लो, बट दीवार पे कोई फ़ोटो नहीं टांगोगे। अगर आपको पितरों की प्रॉब्लम है, आपके पितर रुष्ट हैं, दुखी हैं, या आपको दुखी कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो दीवार पे उनकी फ़ोटो मत टांगिए, और नुकसान होगा। उनकी फ़ोटो को किसी साफ़ सुथरे कपड़े में रैप करके ड्रॉर में रख दीजिए, जब आपका मन आए तब देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा के दीवारों पे लगाना, फिर आप वहाँ भोग लगा रहे हो, फिर आप वहाँ पे मीठा रख रहे हो, कुछ और रख रहे हो, और कभी आप भूल गए या नहीं रख पाए या और कोई वो चीज़ें, तो बहुत चीज़ें फिर वही वाली बात है ना, एक्सपेक्टेशन पहले आप क्रिएट कर रहे हो उस दूसरी दुनिया के उस पर्सन से, वो दूसरी दुनिया का पर्सन हो गया, एंड फिर जब आप एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं करते तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो चीज़ आप करो ही क्यों, आपको दान करना है उनके निमित्त, गरीबों में दान करो ना, क्योंकि वो कुछ भी खाएंगे तो किसी के शरीर के माध्यम से ही खाएंगे, तृप्ति उन्हें जब भी मिलेगी जब कोई भूखा जो है उसका पेट भरेगा, तो उनके निमित्त आप गरीबों में दान करो। तस्वीर को भोजन लगाने से क्या होगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। तो वो हमने डोनेट कराई, उसके बाद से उनकी प्रॉब्लम दूर हुई। तो शरादों में आप कपड़े हो गए, तस्वीर हो गई, ये डोनेट आप कर सकते हैं, इससे बहुत हद तक रिलीफ आएगा। और अगर आपने गलती कर रखी है राख रखी हुई, तो वो भी डोनेट कर दीजिए। ये कई लोग होते हैं जो ऐसी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रखते हैं मृत परिजनों की, जो उनकी बॉडी से रिलेटेड होती है, जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, टीथ हो गए। तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत क्रीपी लगता है, बट हाँ ऐसे भी लोग हैं। और हमारे पास एक बाहर की क्लाइंट थी लंदन की, उन्होंने अपनी सिस्टर के जो है मतलब बचपन के टूटे हुए दांत जो थे वो रखे हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी सिस्टर की, और वो सिस्टर रेगुलरली उनको दिखाई देती थी, कम से कम ये समझ लो पूरी ज़िंदगी दिखाई थी, एंड वो रेगुलरली परेशान रहती थी, डिप्रेशन रहता था, माइग्रेन रहता था। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, तो हमने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी सिस्टर के कारण ही है, क्योंकि जो आपने टीथ रखे हुए हैं आप, वो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट बना हुआ है, आपने वो जो साइकिल है ना वो बंद नहीं की है। लिटरली उन्होंने एक लॉकेट सा बना के अपने पास उसे रखा हुआ था, तो खुद उन्होंने एक वो अटैचमेंट क्रिएट किया। तो फिज़िकल बॉडी से के किसी भी पार्ट से बड़ा जो है ना मैग्नेट नहीं होगा किसी भी स्पिरिट के लिए फॉर अटैचमेंट। तो हेयर हो गए, दांत हो गए, नेल्स हो गए, कोई यूज कपड़ा हो गया, या शरीर का कोई भी मतलब ये कह लीजिए ना, इसमें जो है ना एक जुड़ाव पैदा करना बहुत ईजी हो जाता है।
तो वो उन्होंने जो है किया, तो उससे प्रॉब्लम उनको बड़ी और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और बड़ी मुश्किल से उनको हमने बरी करवाया दांतों को, जो है जो उनकी कब्र थी वो लेडी फॉरनर थी एंड, तो उनके वहाँ जलाने का रिवाज नहीं होता, तो वो दांत जहाँ पे भी उनका वो था ग्रेवयार्ड में वहाँ पे हमने बरी करवाया एंड लिटरली 15 साल बाद उन्होंने बरी किया एंड उसके बाद वो शांत हुई। हमने फिर उनकी क्लिनजिंग कराई घर की धुनी से, उनके नारियल के उतारे करवाए, उनको प्रोटेक्शन लॉकेट दिया, तब जाके उनका जो डिप्रेशन है माइग्रेन है उसमें कमी आई। अदरवाइज़ वो जो इंसिडेंट था उनका, मतलब उनकी सिस्टर को खोने का, 15 ईयर्स हो गए वो भूल ही नहीं पा रही थी। ऐसा था कि जैसे हर वक्त ताज़ा है, क्यों? क्योंकि लॉकेट बना के उन्होंने अपनी गले में उसको डाल रखा था, तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट उन्होंने क्रिएट कर लिया। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। जो पितर हैं अदर साइड, उन वो पहुँच चुके हैं, दूसरी दुनिया में पहुँच चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उस दुनिया में आगे बढ़ने दें, ज़बरदस्ती उनको हमारी दुनिया में लाने का प्रयास ना करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हमारे क्लाइंट और थे, उन्होंने ऑर्गन डोनेशन लिया था अपने ही जो है फैमिली मेम्बर से। यहाँ पे भी दो बहनों की कहानी थी, एक बहन ने दूसरी बहन से किडनी ली थी एंड ये भी फॉरेन कंट्री के हमारे क्लाइंट थे एंड वो जो बहन है जिससे किडनी ली थी वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर कर गई थी। तो ये रेगुलरली बहन दिखती थी उसको एंड कहीं ना कहीं वो समझती थी कि ये जिम्मेदार है उसकी डेथ की, क्योंकि हालांकि उसने विलफुली अपनी किडनी दी थी बट स्टिल उसको ये लगता था कि मैंने ना दी होती तो मैं जो है जी जाती। एंड जिसने किडनी दी, मज़े की बात, जो है डोनेट की, वो उसकी डेथ हो गई, जिसने किडनी ली उसकी डेथ नहीं हुई। तो जो है बहुत ये मतलब अजीब था केस। तो उनको ये लगता था कि गिल्ट फील होता था कि मेरे कारण ये हुआ वो हुआ, तो बहुत ज़रूरी था उनकी बिलोंगिंग्स को फिर हमने साफ निकलवाया, जो है डिस्पोज ऑफ करवाया, रेगुलरली धुनी कराई, फ़ोटोज़ वगैरह सब हटवाई, रेगुलरली उनके उतारे करवाए, तब जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ऐसी एक क्लाइंट हमारे और थे, वहाँ पे मदर एंड डॉटर थी, जहाँ ये कह लीजिए ये मदर ने डॉटर को किडनी दी थी और उसके बाद मदर की डेथ हो गई थी और मदर रेगुलरली दिखती थी डॉक्टर को, तो वहाँ भी हमने फिर वो फिज़िकल अटैचमेंट ख़त्म करवाया ताकि प्रॉब्लम्स उनकी दूर हों, क्योंकि वो रेगुलरली जो डॉक्टर है वो बीमार रहती थी किडनी लेने के बाद भी, मदर वाले सिम्टम्स होने लगे थे उनको। हालांकि किडनी में हो सकता है वो चीज़ हो मेडिकली, बट बाकी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स उसकी मदर को होती थी वो, और या जैसी वो प्रॉब्लम्स, हेडेक होना, चिड़चिड़ापन होना, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति टेस्ट की लाइकिंग डिसलाइकिंग होना, वो बेटी में होने लग गई थी। मतलब बिहेवियर बेटी में माँ का आने लग गया था, एक तरीके से पार्शियल पोजेशन हो गया था स्पिरिट का मदर की का बेटी के ऊपर। तो अपने आप में ये ठीक नहीं था कि माँ बेटी पे आए, तो इसीलिए उनकी फिर मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए, उनको आगे भेजने के लिए, मुक्ति का सेंस ये नहीं है जन्म मरण से छूट जाना, यहाँ इन दिस कंटेस्ट इसका मतलब है कि उस जोन से मुक्त हो जाना एंड आगे बढ़ जाना। तो फिर हमने श्राद्धों में ही दान कराए थे सारे, और उससे पहले से ही हमने धुनी करानी शुरू कर दी थी पितर शांति वाली, और उनके लिए सब सामान बिलोंगिंग सब डोनेट करा दी थी, तब जाके वो चीज़ें उनकी ठीक हुई थी। तो अक्सर पितर जो होते हैं जुड़ाव पैदा कर लेते हैं और उससे फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो और बहुत केसेस में ऑर्गन डोनेशन में जब आप फैमिली मेम्बर का लेते हो और फैमिली मेम्बर जिस जो डोनेट कर रहा है या तो वो मर जाए या जिसने लिया है वो मर जाए, तो बहुत हद तक एक अटैचमेंट स्पिरिट का क्रिएट हो जाता है उस इंसान के साथ, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉडी का ऑर्गन आया है तो वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट का काम करता है किसी भी स्पिरिट के लिए उस बॉडी तक जाने के लिए। तो इसलिए ऐसे केस में बाकी मटेरियल पोजेशंस के अटैचमेंट हम ख़त्म करते हैं और फिज़िकल अटैचमेंट्स ख़त्म करते हैं, क्लीनजिंग करते हैं घर की उस इंसान की और उसे प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो स्पिरिट फिर उसको हार्म ना करें। तो बहुत सी चीज़ें विचित्र है दुनिया पितरों की, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, आप पितर शांति धुनी शुरू कर दीजिए पितरों के लिए, और जो भी आपके पास बिलोंगिंग्स हैं, कपड़े लत्ते सामान है, सब डोनेट कर दीजिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, हमारी धुनी का धुआं दिखा दिखा के, फ़ोटोज़ को धुनी का धुआं दिखा के रैप करके अपने ड्रॉर में रख दीजिए, आप खुद देखेंगे दो चीज़ों से ही आपको बहुत चेंज आ जाएगा। घर में राख रखी हुई है या उनका कोई भी जो है फिजिकल बॉडी का कोई पार्ट से रिलेटेड सामान, दांत, बाल, नाखून, कुछ भी रखे हुए हैं तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए,
ज़मीन में गड़वा दीजिए किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ आपको ठीक लगे, या फिर उसको बहा दीजिए पानी में, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए इससे पहले हमारा लॉकेट मंगवा के, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और आपका बचाव होता रहे। पितरों को आगे भेजना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी अपनी मर्ज़ी से या अपने फ़ायदे के लिए या अपने मोह के चक्कर में अटैच करके ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, ये ठीक नहीं है, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तो इसलिए ये गलती ना करें। श्राद्धों में आपको दान करना है, रेगुलरली दान करना है अपने पितरों के निमित्त। आपको डेथ डेट पता है नहीं पता है मैटर नहीं करता, उनके लिए रोज़ मिठाई का डब्बा दान कीजिए और प्रार्थना करके दान कीजिए कि मैं अपने पितरों के लिए दान कर रहा हूँ, उनको शांति मिले। आप देखेंगे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप संपर्क कर सकते हैं धुनी के लिए पितर शांति वाली, और मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।